घर से ही आप लोग अपने फोर आर्म्स को आसानी से ट्रेन कर सकते हो, ना ही आपको जिम जाने की आवश्यकता है और ना ही आपको जिम फीस देनी है। जो भी छोटे मोटे इक्विपमेंट होंगे सारे के सारे आपको आपके घर पे आसानी से मिल जाएंगे और आप लोग अपने घर से ही अपने फोर आर्म्स को मजबूत बना सकते हो, ताकतवर बना सकते हो। इसके साथ साथ ही आपके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बन जाएंगे और सबसे बेहतरीन चीज़, आपके ओवरऑल हैंड को काफ़ी अच्छा लुक मिलने वाला है जो कि आपकी बॉडी को भी काफ़ी बेहतरीन लुक देगा। जब भी आप लोग हाफ टी शर्ट या फिर स्लीवलेस टी शर्ट पहनोगे तो आपके हाथों को काफ़ी अच्छा लुक मिलने वाला है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए अपन आ जाएंगे सबसे पहली एक्सरसाइज पे। इसका नाम है राइस बकेट वर्कआउट। सबसे पहले बताना चाहूँगा, इस एक्सरसाइज में आपको चावल की आवश्यकता रहेगी और एक बाल्टी की। बाल्टी आप लोग कम से कम 5 से 10 लीटर की ले सकते हो। फिर उसमें आपको चावल भर देना है, उसके बाद उस बाल्टी को रखना है और आपको बैठ जाना है। फिर आपके दोनों हाथ उस चावल के अंदर जाएंगे, यानी कि आपको अपनी मुट्ठी को चावल के अंदर ले जाना है। मुट्ठी में आप लोग चावल को होल्ड कीजिएगा, फिर उस चावल को धीरे धीरे से दबाना है। वो चावल धीरे धीरे आपकी मुट्ठी से बाहर आएगा। जब पूरा चावल आपकी मुट्ठी से बाहर आ जाए या फिर बहुत ही कम चावल आपकी मुट्ठी में बचे तो मुट्ठी आपको खोल देनी है। फिर से आपको चावल लेना है, उस चावल को दबाना है। इसी प्रकार से इस प्रोसेस को आप लोग बार बार रिपीट कीजिएगा। काफ़ी लोग शायद ये सोच रहे होंगे इस छोटी सी एक्सरसाइज से हमारे आर्म्स कैसे ट्रेन होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस छोटी सी एक्सरसाइज से हमारी जो माइक्रो मसल्स हैं वो ट्रेन हुआ करती हैं, धीरे धीरे से एक्टिवेट हुआ करती हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन जाती हैं। और जब हमारी छोटी छोटी मसल्स मजबूत बनेंगी तो हमारे ओवर और आर्म्स और फोर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल लाजमी है। ज़्यादा से ज़्यादा चावल आप लोग अपनी मुट्ठी में होल्ड कीजिएगा, उसको प्रेस कीजिएगा, फिर आपको छोड़ देना है, फिर चावल लेना है, फिर उसको प्रेस करना है। बार बार आप लोग इसी प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा। जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से आपको चावल को दबाना है। इस प्रोसेस को आप लोग कम से कम 20 से 25 बार आपको करना है, यानी कि 20 से 25 रिपीटेशंस रहेंगे और 2 से 3 सेट आपको रखना है, जैसा आपको कम्फर्टेबल लगे। इसके बाद बारी आ जाएगी सेकेंड एक्सरसाइज की। इसका नाम है फोर आर्म्स पुशअप। जिस प्रकार से आप लोग नॉर्मल पुशअप परफॉर्म किया करते हो उसी प्रकार से आप लोगों को फोर आर्म पुशअप भी परफॉर्म करने होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, जैसे कि नॉर्मल पुशअप में आपका पूरा जोर हथेली पे रहा करता है, यानी कि आपके पाम पे रहा करता है, यहाँ पे पूरा जोर आपके फोर आर्म्स पे रहेगा। बिकॉज इस एक्सरसाइज में मेन टारगेट आपके फोर आर्म्स रहेंगे और आपके फोर आर्म्स ही तेज़ी से ट्रेन होने वाले हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कि इस एक्सरसाइज के बारे में नहीं जानते होंगे या फिर पहली बार इसको कर रहे होंगे। वो लोग इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में सिर्फ 3 से 6 रिपीटेशन ही कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा और सिर्फ आपको 1 से 2 सेट ही रखने हैं। अगर आप लोग ज़्यादा कर लेते हो तो आपको हाथों में पेन हो सकता है, इसीलिए स्टार्टिंग में आपको छोटे रिपीटेशन रखने हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ भी आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे घास हो या फिर वहाँ की जो ज़मीन है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लोग टाइल्स में कर रहे हो या फिर फर्श में कर रहे हो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे सीमेंटेड एरिया है तो आपको हाथों में थोड़ा सा पेन हो सकता है, इसीलिए ऐसी जगह चूज़ कीजिएगा जहाँ पे घास हो, जहाँ पे मिट्टी हो या फिर जो जगह सॉफ्ट सॉफ्ट हो, ताकि आपके हाथों को कम्फर्ट मिल सके। फोर आर्म्स पुशअप से आपकी रिस्ट काफ़ी मजबूत हुआ करती है और इसके साथ साथ ही आपके फोर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना करते हैं। आप लोग इसके रिपीटेशंस बाद में कम से कम 8 से 10 कर सकते हो और 2 से 3 सेट आप लोग रख सकते हो। फिलहाल अपन बात करेंगे तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। इसका नाम है व्रिंग आउट क्लोथ। इस एक्सरसाइज में आपको एक छोटे से टॉवल की आवश्यकता है। अगर आपके पास टॉवल यानी कि तौलिया नहीं है तो आप लोग कोई सा भी एक छोटा सा पीस ले सकते हो, जो कि आपका पैंट हो सकता है, शर्ट हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का क्लॉथ जो कि बेकार हो और थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज का फुल प्रेशर उस क्लॉथ पे जाने वाला है। जिस भी क्लॉथ के पीस को आपने लिया है उसको सबसे पहले पानी में डुबो देना है। जब वो भीग जाए तो आप लोग उसको पूरी ताकत से निचोड़िएगा और जब वो अच्छे से सूख जाए, यानी कि जब आप लोग उसको अच्छे से निचोड़ चुके हो, तो फिर से उसको पानी में डुबोना है, फिर बाहर निकालना है और फिर पूरी ताकत से उस कपड़े को निचोड़ना है। इसी प्रकार से आप लोग इस प्रोसेस को बार बार फॉलो कीजिएगा। अगर कोई ऐसा क्लॉथ पीस है जो कि थोड़ा सा मजबूत है तो आप लोग उसको ले लीजिएगा, बिकॉज जब आप लोग उसका पानी निकालोगे तो आपको ताकत लगेगी और जब ताकत लगेगी तो आपके फोर आर्म्स तेजी से मजबूत होंगे। इस एक्सरसाइज के आप लोग 2 से 3 सेट कर सकते हो। हर एक सेट कम से कम 1 से 1.5 मिनट का हो सकता है। आसानी से कीजिएगा, ज़्यादा भी ताकत मत लगाइएगा। स्टार्टिंग में आप लोग हल्के हाथों से कीजिएगा, बाद में आप लोग अपने हाथों की ताकत को इनक्रीज़ कर दीजिएगा।
इसके बाद अपन आ जाएंगे फोर्थ एक्सरसाइज पे, इसका नाम है व्रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे तो डंबल की आवश्यकता है, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप लोग बारबेल भी ले सकते हो, दोनों में से जो भी आपके पास हो आप लोग उस इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हो। और अगर यह दोनों चीज़ें नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक बांस का डंडा ले सकते हो या फिर कोई सा भी एक लंबा सा डंडा ले सकते हो या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हो जिसको आप लोग अपने हाथों से आसानी से होल्ड कर सको और आपकी रिस्ट ऊपर नीचे आसानी से फोल्ड हो सके। जब भी आप लोग इस एक्सरसाइज को कर रहे होगे पूरा टारगेट आपके रिस्ट पे जाएगा और आपके फोरआर्म्स तेज़ी से टारगेट होंगे, जिस वजह से आपके फोरआर्म्स और रिस्ट दोनों ही काफ़ी तेज़ी से मजबूत होने वाले हैं। आपके फोरआर्म्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है, इसके साथ साथ ही आपके हाथों की ताकत भी बढ़ने वाली है। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग में आप लोग हल्का वेट लीजिएगा, टोटल आपको रखने हैं 8 से 10 रेपिटेशंस और 4 सेट, फिर आप लोग धीरे धीरे से इसके रेपिटेशंस भी इंक्रीज कर सकते हो। इन चारों एक्सरसाइज से आपके आर्म्स, फोरआर्म्स, आपके हैंड, इसके साथ साथ ही आपके रिस्ट, ये सारे पार्ट्स तेज़ी से मजबूत होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपके ओवरऑल हैंड के लिए। इसके बावजूद भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आसानी से कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिलहाल अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।